हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम आयरन ओवरडोज टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी होने पर मरीज में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, किस प्रकार की परेशानी उसको होती है और क्या ट्रीटमेंट देकर डॉक्टर उसको ठीक करते हैं, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, आयरन की टॉक्सिसिटी ज़्यादातर बड़ों या बच्चों में जब देखी गई है जब एक से अधिक मात्रा में टेबलेटें खा लेते हैं। अब जैसे कि प्रेगनेंसी में मरीज में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रेग्नेंट वूमेन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि घर में तो टेबलेट होती नहीं है। तो वैसे तो किसी भी मरीज को हो सकती है आयरन की डेफिशिएंसी, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बड़े या बच्चे वगैरह खा लेते हैं ओवर डोज में, जिससे कि उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है। गाइस, आयरन की टॉक्सिसिटी 20 mg पर kg से ऊपर जाने के बाद आयरन की टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट देखे गए हैं, और 60 mg पर kg से ऊपर जाने के बाद आयरन की टॉक्सिसिटी सीवियर कंडीशन में देखी गई है। अब बात करते हैं गाइस सिम्टम्स की। तो गाइस, सिम्टम्स इसके स्टार्टिंग के 6 घंटों में, जैसे कि वॉमिटिंग होना, नोज़िया होना, ब्लडी वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ब्लडी डायरिया एंड ब्लैक स्टूल, एंड 48 घंटे के बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, फास्ट और लो पल्स का हो जाना, एंड फीवर, हेडेक, जॉइंटिस, लीवर डैमेज, सीजर एंड हाइपर वेंटिलेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड साइनोसिस प्लस कोमा। तो गाइस, अब बात करते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। गाइस, ट्रीटमेंट इसका कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहले ACV यानी कि एयरवे सर्कुलेशन वगैरह, ब्रीथिंग वगैरह चेक किया जाता है, वाइटल वगैरह देखा जाता है, देन गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है राइस ट्यूब डालकर सोडियम बाई कार्बोनेट से, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन किया जाता है बॉडी में, फिर एंटीडोट दिया जाता है। गाइस, एंटीडोट इसका डेस्फेरोक्सामिन होता है। गाइस, इंजेक्शन डेस्फेरोक्सामिन आयरन के साथ बाइंड करके आयरन की एक्सक्रिएशन को बढ़ा देता है, जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, आयरन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। गाइस, अब बात करते हैं आयरन के टॉक्सिसिटी में जो एंटीडोट दिया जाता है डेस्फेरोक्सामिन, इसकी डोज क्या दी जाती है। गाइस, एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी में इंजेक्शन डेस्फेरोक्सामिन की डोज IM रूट से एडल्ट में फर्स्ट डोज इसकी 1000 mg दी जाती है, एंड उसके बाद में 500 mg एवरी 4 आवर पर इसकी दो डोज दी जाती है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में इंजेक्शन डेस्फेरोक्सामिन की डोज सबकोटेनस रूट से एडल्ट में 1000 mg से 2000 mg पर डे, या फिर 20 mg से 40 mg पर kg पर डे ओवर 8 से 24 घंटे में दी जाती है। एंड बाकी ट्रीटमेंट गाइस सिम्टोमेटिक चलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।